एक आम इंसान को पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए लगभग 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। वहीं एक सेना के जवान को पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए 4000 तक के कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भारत के वीर सैनिकों का खाना कैसा होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार 1440 करोड़ रुपये सिर्फ सेना के खाने पर खर्च करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के साथ। सुबह में सैनिकों को सबसे पहले चाय या कॉफ़ी दी जाती है, फिर नाश्ते में पूरी या पराठे के साथ सब्जी दी जाती है, और दोपहर के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद दिया जाता है, और रात में सैनिकों को लाइट फूड दिया जाता है, और हफ्ते में 2 बार नॉनवेज भी दिया जाता है। और जो सैनिक नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर या दूध जैसी चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी न हो, और समय समय पर जवानों को फल और जूस भी दी जाती है ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे, और साथ ही खाना समय के साथ बदलती रहती है।